मुझे ये बताइए किस सियासी जमात को पसंद करती हैं, वोट किसको दिया था? मैंने वोट पीटीआई को दिया था और मैं चाहती थी कि हम फनकारों के लिए कुछ बेहतरी हो, हमारे शोबिज़ के लिए, मुल्क के लिए तो होगी होगी ऑब्वियसली, लेकिन हमारे अपना जो हमारा एक शोबा है जिससे हमारा रोजी चलता है, हमारा किचन चलता है, उसको ज़रूर चलना चाहिए। जैसे साउंड सिस्टम पे पाबंदी थी, 10 बजे शादी हॉल पे पाबंदी थी, अब वो साउंड सिस्टम की पाबंदी पता नहीं किस चीज़ के साउंड सिस्टम पे पाबंदी थी, लेकिन जहाँ भी कहीं शो होता था तो फौरन पुलिस जो है वो पकड़ लेती थी। और सबसे ये तकलीफदेह बात है कि आप देखें अगर कोई भी वन डिश की खिलाफ वर्जी हो रही है, कुछ दूल्हे को पकड़ के लेके जा रहे हैं, क्या सारी पाबंदियाँ, क्या सारा कुछ हमारे मुल्क में जो गलत हो रहा है वो सिर्फ शादियों की वजह से हो रहा है? हमारा जी वो इसलिए कि जो सबका हुक्मरान थे ना, उन्होंने तो अपनी ज़्यादातर शादियाँ ड्राइंग रूम में बैठ के की हैं कि जब माननी हुई मान ली, जब मुकरना हुआ मुकर गए। जो हमारी मिडिल क्लास लोगों की शादियां होती हैं, जो शादी हॉलों में होती हैं, वहाँ पे पुलिस की बदमाशी भी ज्यादा है। अब देखे शादी वाले दिन दूल्हा पकड़ा जाए, दुल्हन जमानत करावे या सुबह वलीमे वास्ते कोई तैयारी करे। म्यूजिकल प्रोग्राम हो नहीं रहे होंगे, बराती लाड़े को फरमाइश कर देने, भाई तेरे ब्याह ते आए, अज तू मुंह नाल ही ढोलकी सुनाएगा। बंदा इन्हें पुलिस वाले ने पूछे कि गाने वाले बंदे ने साउंड ते नहीं गाना, तो इन्हें थाने की छत चढ़ के गाना है। जो इस हुकूमत ने भी हमारे जो लगाए हैं कल्चर मिनिस्टर हैं या क्या हैं, उनकी भी गुफ्तगू सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जिस तरह उन्होंने नरगिस पे और मेगा पे उन्होंने टॉन्ट किया, उनको नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, वो हमारी आर्टिस्ट हैं, रिस्पेक्ट के काबिल हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी, अपना बहुत टाइम दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा तो इस गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि हमारी फील्ड के जो भी वो मिनिस्टर को या वजीर को लगाते हैं, वो किसी ऐसे बंदे को लगाएं जो हम में से हो, जिसको हमारी प्रॉब्लम्स का पता हो, जो हम आर्टिस्टों की इज्जत करना जानता हो, या कल्चर की इज्जत होती है दुनिया में या स्पोर्ट्स की इज्जत होती है। देखें कौन से वजीर हमारे मशहूर हैं बहुत दुनिया में, बिल्कुल हमारे सिंगर्स मशहूर होंगे या हमारे खिलाड़ी मशहूर हैं। आप टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, आप बिल्कुल टैक्स लगाएं, लेकिन तब जब हमें आप मौका दें कि हम कमाई भी तो करें ना। कमाई भी तो कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमारी फिल्मों की जो इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा पांव पे खड़ी हुई है। अगर आप एक मिनिस्टर जो आके कह रहा है मैं जो है बोर्ड नहीं लगने दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा, फिल्म नहीं लगने दूंगा, फिल्म का वो करो, तुझे किसने इख्तियार दिया है? तू क्या अपने माइंड से सोच के है कि तुझे फिल्में नहीं पसंद है, तो तूने समझ लिया कि 22 करोड़ आवाम को फिल्में नहीं पसंद? बिल्कुल गल्लां करदे आ दरगस लई मेगा लई, यकीन कर लो आ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद उन्होंने जांदे ही गड्डी दे विच सीडी नरगस दी लाई होनी। ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਅਲਫਲਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਰਗਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਣੀ ਜੀ। ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਯਹਾਂ ਪਰ ਅਲੀਲ ਇਨਾਮ ਮੇਮਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਂ VIP ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਤੇ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਬਤਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਤੋ ਕਚਹਿਰੀ ਮੇਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਚਾਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਆਪ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਕੈਸੇ? ਦੇਖਿਏ, ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਕੋ ਫਸਾਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇਲਰ ਕੋ ਫਸਾਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। आपने कभी लड़की नहीं फसाई, आप हवलदार और जेलर तक ही बस फसाते रहते हैं। जेड़ियां लड़कियां फसाईयां उन्हां दी वजह तो ते शायद पींदे ने। हां, वो फसाईयां जेड़ियां सी वो छड़ के चली गईयां, पिछो हुण हस्पताल च भी टोनो होके फिरदे ने शायद पी के। इन्हां तो पहले वो पींदा हुंदा सी देवदास। हां, उस तो बाद ये आए ने शेवदास। वैसे हम आपको एक बात बताएं, हमारे जेल में कोई आम जेलर नहीं था, अंग्रेजों के जमाने का जेलर था। कौन? मैं हूं अंग्रेजों के जमाने का जेलर। शायद अंज दो गिलास पी के ना उस तो बाद अंज खड़े हो जाते, कहते डॉक्टर बाहर निकलो, ओए टीका कौन लाएगा? एक डॉक्टर ने आके क्या उन्हें कहा छोटा मोटा तो असी ला लेंगे, बड़ा तुसी ला सकते। और आज इतनी भी शायद मुयसर नहीं है मैखाने में जितनी हम छोड़ देते थे पैमाने में। जिस लेवल का ताड़े से छापा पे आया ना, जेड़ी तुसी पीती है वो भी निकल आनी है। कौन सा? वही अभी जिंदा हूँ तो आगे गाइए। वो थोड़ा ऐसे है, वो मैंने खुद तैयार किया हुआ है। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल लाया, बोतल भी उठा लाया। पड़ा गया मकसद ये, बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो,
मां जी ने कहा गांव छोड़ दो और ये कह रहा है शायद छोड़ो। मेमन साहब जिन्ना तुसी सानू लुट लिया ना हुन सानू साडे हाल ते छोड़ दो। ए गया करो अस्पताल के मौसम में बीमारी के आलम में, मैं जेल से निकल आया बोतल भी उठा लाया। तुम कभी शर्म में आओ तो मैं पूछेगा। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जड़ी फड़ी गई है पी लेने दो। अब वक्त हुआ चाहता है कि एलिजाबेथ रॉय आपके सामने एक पैरोडी सॉन्ग भी पेश करें। वेलकम बैक, और हमारे साथ हैं हुमैरा अर्शद। अच्छा नॉर्मली आप किसी अपने रिश्तेदारों में कहीं मिलने जाती हैं, किसी घर खाने पे जाती हैं, तो लोग क्या करते हैं, जाते जाते आपको बोलते हैं यार ये गाना तो सुना के जाना जरा, करते हैं? मेरे रिलेटिव्स में कभी नहीं किसी ने ऐसा कहा। किसी और के घर कभी जाती हैं खाने? किसी और के घर, वो तो कभी कोई मॉल में भी हम लोग चले जाएं तो वहाँ भी लोग फरमाइश कर देते हैं, सेल्फी से पहले कहते हैं गा के सुना। हाँ, कि थोड़ा सा तो गा के सुना। गा लेती है? नहीं, कभी कभी गा भी लेती हूँ, कभी कभी बड़े इनोसेंट से वो हों, जैसे डिपेंड ऑन फैंस। हाँ, कि वो कई बड़े इनोसेंट होते हैं। अभी मैं पिछले दिनों एक मॉल में खड़ी थी तो एक बेचारी बड़ी मासूम सी एक औरत सी ना मेरे पास आई, ऐसे चादर लपेटी हुई, आधी चादर ना इधर उसने दी हुई अपनी। हाँ। तो मुझे आगे कहती है आप हुमैरा चंदा है? मैंने कहा नहीं मैं हुमैरा अर्शद हूँ। कहती अच्छा मैं रचंदा की छोटी बहन। कई ऐसे भी फैंस होते हैं। उन्होंने तो कहना हमें रचना, तो जो कहना नहीं मैं आलम चन्ना दी पान ले।